हेलो गाइस, आज मेक्सिको में इलेक्शन है और ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। तो आज प्रेसिडेंट चेंज होगा, चार चार साल बाद चेंज होता है। और आज जो है यहाँ पर वोटिंग हो रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि वोटिंग कैसी हो रही है। बट ये हमारे इंडिया की तरह नहीं है, जैसे कि हम EVM मशीन्स में इलेक्ट्रॉनिकली वोट करते हैं, दे स्टिल फॉलो द बैलेट पेपर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आप देख सकते हो कि भाई इलेक्शन है और ऑलमोस्ट 5-6 चीज़ों के इलेक्शन है। तो ये एक इन्होंने बूथ लगा रखा है वोटिंग के लिए। तो वोटिंग हो रही है तो इन्होंने क्या कर रखा, भाई एक जगह पेपर रख रखे हैं, वो पेपर जो है लोग ले रहे हैं एक एक करके। और वो एक एक पेपर जो है लेने के बाद, जैसे कि अब ये दे रहे हैं एक एक करके पेपर, और इसके बाद जो है इस वाला जो है ये बैलेट बॉक्स है, इसके अंदर जो है वो सबमिट कर रहे हैं। तो ये मैंने पहली बार देखा है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ये जो है अंदर जाके अपना वोट मार्क कर रहे हैं, और जो वोट है वो फिजिकली पेपर पे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फिजिकली जो है पेपर के ऊपर जो है मार्किंग होएगी ऐसे करके। और यहाँ पर जो है अपनी प्राइवेसी के हिसाब से आप अंदर जो है मार्क कर सकते हो। और वहाँ पर जो है बैलेट बॉक्स आप देख सकते हो, डिफरेंट जो है बैलेट बॉक्स है, और यहाँ पर जो है सबमिट कर सकते हो आप, जैसे कि अलग अलग है। और ये आज 4-5 चीज़ों की वोटिंग इकट्ठे हो रही है। तो देर आर 4-5 बैलेट बॉक्स जिसमें प्रेसिडेंट भी है, सेनेटर्स भी हैं, गवर्नर्स भी हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे कुछ मेक्सिको में वोटिंग होती है गाइस। और मेक्सिको में जो है आज जो है प्रेसिडेंट के अलावा काफ़ी सारी और भी चीज़ों की वोटिंग हो रही है। तो अभी हम क्वातापेक में हैं, इट्स कॉल्ड क्वातापेक। और आप देख सकते हो कि जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, बट ये जो लाइन है ये वो वाले बैलेट की है जो कि आउटसाइड जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के लोग हैं। पर लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, अगर आप देखोगे वहाँ से लेकर ऑल द वे जो है वहाँ तक है। तो कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जैसे कि प्राइमरी स्कूल जो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर वोटिंग डल रही है, और उसके अलावा जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं सब जगह पर वोटिंग हो रही है। जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में वोटिंग्स होती है, तो वैसे ही यहाँ पर मेक्सिको में वोटिंग चल रही है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप मेक्सिको में अपने स्टेट के बाहर भी वोट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मेक्सिको में जो है स्टेट के बाहर के अलावा आप अब्रॉड से भी वोट कर सकते हैं एम्बेसी जाके। सो दैट इज़ कम्प्लीटली समथिंग डिफरेंट हियर इन मेक्सिको। लेट्स गो गाइस। So guys, this is the first time Mexicans are voting from abroad, from the country they are living in the embassy of Mexico. For more interesting facts about Mexico, follow me.